ए व्हाट्सअप ऐसे है। सो गाइज मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। देखो ये मैंने परचेज़ किया था, ये जो एयरपोर्ट्स है इसको मैंने परचेज़ किया था अराउंड 7 मंथ्स पहले। आप ये वीडियो कब देख रहे हो मुझे पता नहीं, तो हो सकता है एक साल बाद भी आप देख रहे हो, ठीक है। देखो अगर आपने कभी एयरपोर्ट्स बाय किया ना, तो आपको पता होगा कि हमें जो वारंटी क्लेम करने के लिए इसमें हमें अपडेट करना होता है मैन्युअली। ये ऑटोमेटिक जैसे आईफोन वगैरह होता है, तो अगर आपने ऑन किया तो साथ के साथ ही वारंटी रजिस्टर्ड हो जाता है सीरियल नंबर के साथ। बट एयरपोर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक। एयरपोर्ट्स के साथ क्या करना होता है, मैन्युअली अपडेट करना होता है। तो मैंने मैन्युअली अपडेट की वजह से तो एक चीज़ था कि हम इसको वारंटी एक्सटेंड कर सकते थे, 6 मंथ वारंटी एक्सटेंड कर सकते। वो कैसे था और अभी क्या इशू है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंड कैसे होता था, अब होता है या नहीं, ये सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जब एयरपोर्ट्स बाई करते थे, कोई भी परचेज़ करता था एयरपोर्ट्स, या वो अमेजोन से हो या फ्लिपकार्ट से हो, कहीं बाहर किसी स्टोर से हो या फिर ऑथोराइज स्टोर से हो या अनऑथोराइज स्टोर से भी हो, कहीं से भी बाई करते थे, बट ओरिजिनल वाले जो एयरपोर्ट्स होते थे, जब बाई करने के बाद क्या होता था, उसको हम 6 महीने या 3 महीने बाद अपडेट करते थे एप्पल की वेबसाइट में हमारे एप्पल आईडी के साथ कनेक्ट करके। इसमें क्या होता था, जिस दिन हम अपडेट करते थे उसी दिन से हमें और भी 1 साल का वारंटी मिल जाता था। अगर किसी ने 6 महीने बाद किया तो उसको 6 महीने एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल चुका था, अगर किसी ने 3 महीने बाद किया तो 3 महीने एक्स्ट्रा वारंटी मिला है। तो ये क्या था, एक बग था यार एप्पल की तरफ से, इसमें बग था या कुछ लूपहोल्स था आप बता सकते हो। तो इस वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाता था 3 महीने बाद 6 महीने बाद एप्पल आईडी के साथ करंट करके अपडेट करता था एप्पल वारंटी के लिए, ठीक है। तो ये शायद एप्पल को पता चल गया था। मुझे बाय करना था एयरपोर्ट्स टू जब एप्पल 12 आया था, आईफोन 12 लॉन्च हुआ था, मैंने सोचा कि जब उस टाइम पे कुछ थोड़े बहुत लीक मिल रहा था हमें कि एयरपोर्ट्स 3 आने वाले, बट उस टाइम लॉन्च नहीं हुआ था। तो फिर मैंने एयरपोर्ट्स 2 ही बाई कर लिया, मैंने एयरपोर्ट्स प्रो क्यों बाई नहीं किया, मुझे इन ईयर पसंद नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल बात हो गया। उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया, मैंने बाय किया था इसको फ्लिपकार्ट से 13,000 पे मैंने बाय किया था, 1 रुपीज़ कम था उसमें, तो 1 रुपये का टॉफी मिला मुझे, तो मैंने बाय किया था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, 3 महीने बाद फिर मैं अपडेट करूँगा। 3 महीने बाद मैंने किया नहीं, 4 महीने हो चुका है। उसके बाद मैं अपडेट करने गया था मेरे एप्पल आईडी के साथ कनेक्ट करके, मैं अपडेट करने जाता था तो सीरियल नंबर जब मैं डाल के चेक कर रहा था तो एयरपोर्ट सही था, जेन्युइन आ रहा था एयरपोर्ट, मुझे वैसे भी जेन्युइन मिल रहा था। मैं यहाँ पे हो सकता तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाला, रिव्यू वगैरह नहीं डाला क्योंकि ये पुराना हो चुका था बहुत। अगर आप चाहे तो मैं डाल सकता हूँ, आप मुझे बताओगे तो एंड्रॉइड के साथ कैसे यूज़ होता है क्या, आप अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, तो मैं इसका रिव्यू एक डाल सकता हूँ ये अनबॉक्सिंग वीडियो साथ में ऐड करके। तो मैंने क्या किया था, 5वें महीने में मैंने अपडेट करने गया था मेरा एप्पल आईडी के थ्रू, ठीक है। वो क्या होता, सीरियल नंबर डालने के बाद तो हमें जेन्युइन प्रोडक्ट दिख रहा था बट वो अपडेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया एप्पल कस्टमर सर्विस में, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा पुराने वीडियोस में यूट्यूब में कि आप एप्पल सर्विस केयर पे जो एप्पल केयर है उसमें बात कर लो, बात करने के बाद वो आपको एक मेल पे लिंक भेजेंगे, उसमें क्लिक करके फिर आप अपडेट कर सकते हो। मैंने कॉल किया एप्पल केयर के पास, फिर मैंने उनको समझाया कि हाँ मैंने ये ऐसे झूठी बात बताया कि मैंने बाई परचेज़ किया था ये मेरे गर्लफ्रेंड के लिए, तो मेरे गर्लफ्रेंड को पता नहीं था, उसने अपडेट नहीं किया, मैं अपडेट करना चाहता। फिर कहता है सर आपका बिल भेजो। मैंने आप मुझे पूछा कहाँ से परचेज़ किया, मैंने पूछा फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था मैंने, कब परचेज़ किया था मैंने, अराउंड 5 मंथ बताया। पहले मैंने नहीं बताया था कि मैंने बोला कि मुझे अपडेट नहीं हो रहा है बस, कह रहा है सर फिर आपको ना बिल भेजना होगा। फिर मैंने बिल भेजा उनको साथ से साथ ऑन कॉल पे उन्होंने हमें एक लिंक भेजा था। तो फिर हमने क्या उसमें एक मेल आईडी से मेरे एप्पल आईडी में भेजा, फिर मैंने उसको किया था मेरा बिल मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद फिर मुझे पूछ रहा सर आपने कब परचेज़ किया था, मैंने बोला उसी टाइम पे। तो फिर उन्होंने उनको मैंने समझाने के लिए एक जैसे झूठा स्टोरी बताया कि मेरे गर्लफ्रेंड के लिए मैंने परचेज़ किया था, तो उसको पता नहीं था तो उसने अपडेट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो हमारे साथ हमारे जो एप्पल के साथ जो डेटा है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, आपको जहाँ से आपने परचेज़ किया वहीं पर बात कीजिए, जहाँ से जिस सेलर से आपने परचेज़ किया उससे बात कीजिए। फिर मैंने बोला यहाँ पे तो कोई इशू नहीं, मैंने फ्लिपकार्ट से भाई कि आपको मैंने बिल भी सेंड किया, नहीं हो सकता। कह रहा सर आप वहाँ से बात कीजिए, हमारे तरफ से ये जो डेटाबेस के साथ मैच नहीं हुआ। चलो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर कहता है आपका ये केस आईडी है, ये जो आपका टिकट है इसका आईडी है, आपका जब भी नेक्स्ट कॉल करोगे तो उसमें आप बात कर लेना, ये मेरा टिकट आईडी है इससे चेक कर लेना। फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे बात किया, फ्लिपकार्ट के बात करने कहता है सर ये तो साथ के साथ अपडेट करना होता है। फिर मैंने बोला यार मुझे पता नहीं था, मुझे मैं नया यूज़र हूँ, मुझे पता नहीं एप्पल के इकोसिस्टम में नया आ रहा हूँ, बोलना क्या था यहाँ पे, झूठ तो बोलना ही था मैंने बोला। फिर कहता है सर यह तो हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर और कुछ नहीं, आपको बिल मिल चुका, बिल से बात कीजिए। मैंने दोबारा एप्पल केयर में बात किया, दोबारा एप्पल केयर के बात करने के बाद कह रहा है सर नहीं हो सकता। फिर मुझे कह रहा है आप मेल कर दीजिए। फिर मैंने मेल किया सीनियर अथॉरिटी से बात करने के लिए। फिर मुझे मैंने नेक्स्ट डे पे कॉल किया दोबारा, नेक्स्ट डे पे कॉल करने के बाद
कह रहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे डाटा के साथ मिसमैच हो रहा है, क्या मिसमैच हो रहा है। वो उन लोगों ने मुझे ना क्लियर किया ना कुछ। और वैसे भी मैं अगर आपको बताऊँ तो एप्पल जो एप्पल केयर का है इंडिया का सर्विस जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियर भी नहीं किया और ये अपडेट भी नहीं करा। तो अगर आप कोई परचेज़ करने जा रहे हो एयरपॉड्स 2 या और एयरपॉड्स 3 प्रो, अभी अगर आप एयरपॉड्स 2 के जैसा अगर आपको इन ईयर पसंद नहीं है एयरपॉड्स 3 के लिए वेट करो तो ज़रूर वेट करना, वो लॉन्च हो सकता है कुछ दिनों में। अगर आपने परचेज़ किया एक महीने हुआ तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टैक्ट करके अपडेट करने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि बाद में आप वारंटी क्लेम ना कर पाओ मेरे जैसे। जो पहले था वो एक लूपहोल्स था, वो एप्पल ने फिक्स कर दिया, अब नहीं होता है। तो मेरे तरफ से सिर्फ यही अपडेट देना था, वारंटी अभी एक्सटेंड नहीं होता है, पहले हो जाता था अब नहीं होता है, ठीक है। मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने बाइक के इतने पैसे लगा दिया है 13,000, तो बीच बीच में BBD में शायद ऑफर आया था 10,000 11,000 पे आया था, मुझे पता नहीं, मैंने बाद में परचेज़ किया था, मैं एयरपॉड्स 3 के लिए वेट कर रहा था तो वो आया नहीं, तो मुझे ये 13,000 में बाई करना। अगर आपने बाई के इतने पैसे लगा के तो ज़रूर अपडेट कर लेना। तो मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो में कि अगर आपने परचेज़ किया हुआ था ज़रूर अपडेट करा लेना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा, आप फंसा हो, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।